तो आओ दोस्तों बताते हैं यहाँ पर नामांकन और यहाँ पे एडमिशन कैंसिल का प्रोसेस। आखिर आपसे भी कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बताइए एडमिशन कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है, आखिर एडमिशन हम कैंसिल कैसे करवाएंगे। आप चाहे बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते, बिहार नहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से, बाहर की यूनिवर्सिटी से, तो जी दोस्तों बात करें यहाँ पर UGC ने यहाँ पर भी बताया कि नामांकन वापस लेने पर छात्र छात्राओं को पूरी फीस लौटानी होगी। आपको कोई कॉलेज पूरी फीस नहीं लौटा था, आप तुरंत कंप्लेन उसका आप UGC से यहाँ पर कर सकते हैं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से करिए। नामांकन समाप्त होने के 15 दिन के भीतर बात करें यहाँ पर TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने पर अगर आप ले लोगे, मानो नामांकन आपका हो गया है उसके 15 दिन के अंदर अगर आप मान लो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी TC अगर आप ले लोगे, लेने पर क्या होगा आपकी पूरी राशि दोस्तों यहाँ पर आपको वापस कर दी जाएगी। कॉलेज ऐसा अगर नहीं करता है तो कॉलेज पर कार्रवाई यहाँ पर होगा। वही बात करें यहाँ पर UGC नामांकन वापस लेने पर छात्र छात्राओं को अब मिलेगी पूरी फीस यहाँ पर लौटानी होगी सभी कॉलेजेस को, अभी भी यहाँ पर आदेश दिया। तो देखो ये पूरी जानकारी आपको देते हैं आखिर क्या कैसे होने वाला है। दोस्तों बात करें UGC यहाँ पर जो बापी यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पर रखिया पैसे, तो यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी व कॉलेज का बाप है, यूनिवर्सिटी व कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि अगर नामांकन लेने के बाद नाम कटाने पर, मानो नामांकन के बाद नाम कटाना चाहते हैं, नाम कटा ले एडमिशन कटाने के लिए, कटाने पर कटाते हो तो 15 दिन के अंदर, अगर नामांकन के 15 दिन के अंदर आप एडमिशन नाम कैसे करवा लेते हो कटा लेते हो के भीतर, तो छात्र छात्राओं को नामांकन के लिए के दौरान ली गई पूरी फीस आपको लौटा दी जाएगी। बिल्कुल सही सुन रहे हो। आगे प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया क्या है, बेसिकली आपने अप्लाई जिस कॉलेज की वेबसाइट से की उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन जिस वेबसाइट पर दोस्तों करिएगा तो उस पर आपको कैंसिलेशन का ऑप्शन मिलेगा, एडमिशन कैंसिलेशन का, उस पर क्लिक करिएगा, आपको कुछ दोस्तों डिटेल्स मांगेगा, डिटेल्स लिखेगा, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और ये नामांकन कराए अगर 15 दिन से अधिक यहाँ पर हो गया है तो यूनिवर्सिटी वो कॉलेज को कुछ आंशिक राशि काट कर उसे लौटाने के लिए कहा गया है। मान लो नामांकन का 15 दिन से ज़्यादा हो गया तो कुछ पैसा काट लिया जाएगा, कुछ पैसा काट के लौटाया जाएगा, पूरा नहीं पर कुछ काट के, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ़ UGC में किसी छात्र या छात्रा की शिकायत पर, तो मान लो आप तुरंत क्या करिए UGC चले जाइए, UGC जाकर के डायरेक्ट शिकायत कर दीजिए, ठीक है। शिकायत पर, छात्र छात्रा की शिकायत पर UGC से संबंधित यूनिवर्सिटी व कॉलेज पर कार्रवाई भी यहाँ पर कर सकती है, जिसका भी प्रावधान दोस्तों है। अगर आपको एडमिशन आपका कैंसिल करके पैसा रिफंड आपका नहीं होता तो आप UGC जाइए, UGC जाइएगा, UGC क्या करेंगे आपकी शिकायत सुन करके यूनिवर्सिटी वो उस कॉलेज पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दिया यहाँ पर नाम कटाने पर कुछ कटौती के बाद मिलेगी राशि 3 वर्षों तक यहाँ पर सीट खाली यहाँ पर रह जाती है, इसी वजह से यहाँ पर राशि आपको काट के दी जाती है। दूसरे दोस्तों बात करें यहाँ पर नामांकन होने पर कॉलेज व विभागों की सीटें पूरे सत्र में खाली रह जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अगर 3 वर्ष का कोर्स है तो 3 वर्ष तक सीट खाली रह जाती है, क्योंकि इस दौरान फिर नामांकन के लिए पीज पोर्टल नहीं खोला जा सकता। विश्वविद्यालय के PG विभागों में बात करें वो कॉलेजों में स्नातक विभागों में नामांकन अब करीब करीब यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। वह दूसरी तरफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना नाम कटवा कर छात्र छात्रा इंजीनियरिंग व मेडिकल कॉलेजेस में भी नामांकन ले रहे हैं। इस तरह से विश्वविद्यालय व कॉलेजों की सीटें 20 सत्र में खाली हो जाती है और हमेशा के लिए उस सत्र को वह खाली ही रह जाती है। ऐसे में कई यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों को नामांकन की राशि या तो काट लेते हैं या फिर वापस देने से मना कर देते हैं, यही कारण है। तो बात करें यहाँ पर कॉलेजों का तर्क है कि उनका आर्थिक नुकसान होता है, सीटें बेवजह खाली रह जाती है जिस पर वे दूसरे का नामांकन नहीं ले पाते हैं। लेकिन UGC ने अब स्पष्ट कर निर्देश दिए हैं कि नामांकन रद्द कराने पर संबंधित छात्र या छात्राओं को पूरी फीस या 15 दिन के बाद आंसे फीस काट कर आपको मिल जाएगी। तो आपने जाना दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट यहाँ पर। वीडियो को लाइक करिए, अपने कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।